नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस ईडी ने। 2 नवंबर को होंगे पेश ईडी के समक्ष। और अब आम आदमी पार्टी को शायद बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल के अंदर बंद है। सत्येंद्र जैन, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह। अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह कम दावेदार कौन होगा, इसी को लेकर के हमने बातचीत की आम आदमी पार्टी के विधायक मोती नगर के विधानसभा से, जो चरण गोयल। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए हैं। मनोज सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है और संजय सिंह ने मोदी के खिलाफ आवाज उठाकर ये साबित किया है कि वो झुकेंगे नहीं। मगर वही आम आदमी पार्टी के मुखिया, ईडी के द्वारा नोटिस दिया गया कि देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं या नहीं। सर, आज जिस तरीके से आचार्य भिक्षु के अंदर उद्घाटन किया गया है, मेडिटेशन रूम भी बनाया गया है, पार्किंग की भी सुविधा दी जा रही है, क्या लगता है इससे सुविधाएं जनता को या फिर कहें मरीजों को कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं? ये पहले हॉस्पिटल आचार्य भिक्षु जब अरविंद केजरीवाल सरकार आई थी तभी 100 बेड का था, उसको 150 का किया गया, 180 का किया गया। अब ये हॉस्पिटल लगभग 452 बेड का ये दिसंबर में बन जाएगा, तो उसको देखते हुए जो भी तमाम सुविधाएं पेशेंट को, स्टाफ को जो चाहिए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ें की जा रही। आज जैसे पार्किंग बन रही है, पहले पार्किंग नहीं थी, करीब इसमें 150 से 200 गाड़ी की पार्किंग का अरेंजमेंट कर दिया गया है। और आज हमने एक मेडिटेशन रूम की इनॉग्रेशन किया गया है। आज जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो इतना काम करते हैं कि रोज़ 300-400 पेशेंट, 200-200 पेशेंट को देखते हैं, तो कहने के लिए कि स्ट्रेस इनका रिलैक्स हो सके, इसलिए आज मेडिटेशन रूम का उद्घाटन किया गया और ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा किया गया है और उनकी सुपरविजन में, उनके मार्गदर्शन में ये मेडिटेशन रूम रनिंग करेगा, तो उसकी रूपरेखा के लिए आज उद्घाटन किया गया। और निरंतर आज आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल ऊंचाइयों को छू रहा है। इसको 2017 में भी मिला था काया क्लब का अवार्ड और इस साल भी 2023 में इसको कायर क्लब का अवार्ड मिला है, जिसमें करीब 15 लाख रुपए की इनाम राशि भी हॉस्पिटल को मिली है। तो आज ये हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र के लिए एक आकर्षण का केंद्र है कि यहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएं हैं और यहाँ पर इलाज बेहतर होता है। तो जब ये अवार्ड मिलता है तो उसके बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो हमारी इच्छा है, हमारी कोशिशें हैं कि इसको और बेहतर किया जाए, इसलिए आरकेएस की मीटिंग भी देखी गई और आज हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया। तमाम कार्रवाई रोजमर्रा पे चलती रहती है।